मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से चटपटी और टेस्टी मिर्च फ्राई बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। अगर आपको खाना टेस्टी नहीं लग रहा है तब भी आप इन मिर्चों से दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतनी टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप इसे स्टोर करके हफ्ते 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपकी खाने की इच्छा है आप इनको निकाल करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिर्च फ्राई बनाने के लिए ये हमने मोटी वाली 200 ग्राम मिर्च ली है। सबसे पहले हम मिर्च में कट लगा लेते हैं और आप चाहे तो इसका डंठल भी निकाल सकते हैं। हमें इस तरीके से मिर्च में कट लगाना है। देखिए हमने इस तरीके से मिर्च में कट लगा लिया है। अब हम सभी मिर्चों को इसी तरीके से काट लेते हैं। ये हमने सभी मिर्चों को काट के तैयार कर लिया है। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, यानी सरसों का तेल। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। और ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल में से धुआं भी निकलना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ऑयल को हल्का ठंडा होने देते हैं। अगर हम गर्म ऑयल में मसाले डालेंगे तो मसाले जल सकते हैं। ऑयल हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर आधी टीस्पून राई डाल देते हैं। राई को तड़कने देते हैं। राई तड़कने लगी है। आधी टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब फ्लेम को मीडियम कर दिया है और जो मिर्चें हमने काटी थी वो डाल देते हैं। अब हम मिर्चों को लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। उससे क्या होगा कि मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और खाने में भी टेस्टी लगेंगी। 2 मिनट करीब हो गए, अब ये मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, वो डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम सभी मसालों को मिर्च में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिर्चें खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप भी इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। अब ये मसाले भी मिर्च में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम मिर्च को ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। 2 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये मिर्चें हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। हमें इन मिर्चों को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हमें इन्हें क्रंची ही रखना है। अब हम इन मिर्चों को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर 1/2 कप दही डाल देते हैं। अब दही को लगातार चलाते हुए मिर्च में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि दही फटे ना। अब हम मिर्च में नमक डाल देते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार। अब ये मिर्चें बनके तैयार हो गई है। हमें इन मिर्चों को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब हम इस मिर्च को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 नींबू का रस डाल देते हैं और नींबू को मिक्स कर देते हैं। नींबू डालने से ये और भी ज्यादा खट्टी हो जाएगी, जिससे ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खट्टी ही मिर्चें ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज्यादा खट्टी मिर्चें नहीं पसंद है तो आप इसे बिना नींबू के भी बना सकते हैं। अब ये चटपटी और टेस्टी मिर्च बनके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया बनी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम मिर्च को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया चटपटी और चटकारेदार मिर्च बनके तैयार हुई है, और ये मिर्च खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप भी इसे एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं और आपकी मिर्च कैसी बनी। आप इसे पूरी, पराठे, चपाती, नान, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसे स्टोर करके हफ्ते 10 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।